ओ कितना बड़ा है। ये है वन मोर स्लीपिंग बैग, और ये हमने एच&M से लिया था और कल इसमें डाल के रखा चीकू को। इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, देखो इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि इसमें चीकू के लेग्स पैक हैं। आजकल जब भी हम बेबी से कोई भी बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं ना, तो वो अपने ही अलग साउंड के साथ में रिएक्ट करती है और रिप्लाई करती है। अरे डेली हम बेबी को हेड मसाज दे रहे हैं, उतना फ्रिक्वेंट तो नहीं है लेकिन तभी हम कर रहे हैं। बट स्टिल अभी आप कैप के साथ में बेबी का हेड देख सकते हो, पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ये राउंड हो गया, जो कि एक साइड से लेफ्ट साइड से थोड़ा फ्लैट हो गया, तो थोड़ा ज़्यादा ही फ्लैट हो गया था डिलीवरी के टाइम पर, बट अब काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। मैं आपको बताया कि अनविका 5 मंथ्स की हुई और वो ना उस दिन बेड से गिरी, मेरी खाती हूँ कि वो कहाँ से गिरी थी। और अभी कुछ दिन से ही उसने खिसकना शुरू किया, फिर तेज़ी से खिसकना शुरू किया। पहले वो रोल ओवर नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, वो स्टक रहती थी एक जगह पर ड्यू टू हर वेट। फिर उसने करना स्टार्ट किया एंड आई गेस बहुत ही अभी कम समय हुआ है कि उसने बहुत ही क्विकली रोल ओवर करना पलटना शुरू किया था। बिल्कुल अभी अभी की ही बात है एंड मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ से चली मतलब नीचे गिर जाएगी। वो यहाँ पर मैंने बीच में उसको यहाँ बीच में बिल्कुल लिटाया था, ये उसकी क्विल्ट है, इसके ऊपर यहाँ बीच में लिटाया था मैंने। यहाँ से रोल ओवर करते 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 यहाँ से पूरा वो नीचे गिर गया। ओह माय गॉड। और मैं बस यही दरवाजे पर थी और मैं बस प्रेस लेने के लिए गई थी क्योंकि हमें बाहर निकलना था और बेबी की ड्रेस में मुझे प्रेस करना था, चेंज कराना था। और एकदम धक से आवाज़ है, मैंने कहा भगवान क्या हुआ। एकदम थोड़ा सा मेरे बच्चे ने रोया ऐसा, मतलब तो मुझे लगा यार बच्चा गिरा, और उससे ज़्यादा मैं रो रही थी उस टाइम पर। वो मोमेंट ना यार, अब अनिका वहीं पर थी, मैं यहीं पर थी और इतनी देर में लाइक फ्यू सेकेंड और वो नीचे आ गई थी बेड से। मतलब मेरे लिए ये अब उसको एक भी सेकेंड अकेला नहीं छोड़ सकते, बेड पे नहीं छोड़ सकते, सिर्फ उसकी क्रिब में ही छोड़ूंगी मैं। और क्रिब में भी वो पैर अब फंसाने लग गई है, जो उसके था साइड का साइड रेल जो थी उसके अंदर वो पैर फंसाने लग गई, तो उसका जो गार्ड हमने लिया था वो सब चारों तरफ लगा करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं तो बच्चे बड़े होते हैं तो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के साथ साथ बहुत सारा डर भी आ जाता है और मैं बहुत स्केर्ड हूँ अभी इस मोमेंट पर। अभी उसे टच वुड बेबी को कुछ नहीं हुआ, उसे कहीं हर्ट नहीं हुआ, चोट नहीं लगा, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे उसे उसे सपोर्ट मिला और उसका हेड सिक्योर था, उसे आई गेस उसे चोट नहीं लगी। वो स्टिल
कोई भी ऐसा और एक्टिविटी नहीं है, बेबी नॉर्मल है अभी, रोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, मतलब परेशान नहीं है वो। क्योंकि अनिका जब गिरती थी तो डॉक्टर ने हमें यही सजेशन दिया था कि अगर बेबी रोता है, क्रैंकी होता है बार बार, तो ही हमें वरी होने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबी नॉर्मल है, खेल रहा है, एक्टिव है, दैट मीन्स कि सब कुछ ठीक है। तो हम बस वही ऑब्जर्व कर रहे थे और सब कुछ ठीक है एंड आगे भी ठीक होना चाहिए, नहीं तो 5 महीना हुआ नहीं और बच्चे गिरने लग गए। यार ये क्या हो रहा है। अनिका को मैंने इतना संभाल संभाल के रखा था, बिल्कुल भी नहीं गिरने देती थी। और वो तो काफ़ी टाइम के बाद, लाइक जब वो क्रॉल करना शुरू कर दी थी ना, प्रॉपर क्रॉल करने लग गई थी, तब वो बेड से गिरती थी या फिर कहीं काउच पे बैठी है उससे गिर जाती थी तब जा करके। और ये तो मतलब अभी छोटा सा मेरा प्यारा बच्चा छोटू से, और वो इतने में गिर गया, तो मेरी बस हालत पूछो मत कि क्या थी कल परसों। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा स्कैरी मोमेंट था। और साइड में पीलो रखी थी और वो सब कुछ क्रॉस करके नीचे चली गई, मतलब समझ सकते हो कि क्या हो रहा है एकदम अचानक, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो बच्चे कभी भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट है ना, वो कर सकते हैं, एक्शंस कर सकते हैं। एंड प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट कि ऐसा कुछ हो, उसके पहले ही आप मतलब सब चीज़ सेफ करके रखो, बच्चे को सेफ करके रखो, और ऐसा कुछ नहीं हो, पूरा प्रोटेक्शन दो बच्चों को, जितनी भी चीज़ें सेफ्टी की आप लगा सकते हो, गार्ड वगैरह, साइड रेल, वो सब कुछ आप लगाओ, जिससे कि बेबी प्रोटेक्ट रहे, जिससे कि ऐसा कोई सीन नहीं हो, मिस हैपनिंग नहीं हो। और बाद में फिर पेरेंट्स को ये रिग्रेट होता है, स्पेशली मदर्स को बहुत रिग्रेट होता है कि उसकी एक मिस्टेक और एक बार उसने एक झलक नहीं ध्यान दिया और ये हो गया। अब लग रहा है कि अब असली जंग मेरी अब शुरू हुई है। 7 से 8 दिन हो गए, सारे कपड़े वॉश होकर के आके रखते ही जा रहे थे और बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए। तभी मैं फोल्ड करने बैठी हूँ इन सारे कपड़ों को, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने दुकान लगा ली है कपड़े सेल करने की। सच में मुझे बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा है, इतने सारे कपड़े आए तो आए कहाँ से, और काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस सब चीकू के कपड़ों में मैं प्रेस कर रही हूँ, सब कपड़े फोल्ड होकर के रख दिए हैं, अभी प्रेस कर रही हूँ, सारे कपड़े प्रेस करके रख रही हूँ। उधर चल रही है इनकी मस्ती। बस यही चाहिए इनको, यही चाहिए बस इन्हें। चीकू ऐसे खेलती रहती है ना, उसे देखते हुए मुझे बड़ा सुकून फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। आजकल चीकू दोनों हाथों से चीजों को पकड़ने लग गई है, होल्ड करने लग गई है प्रॉपर। बेबी को टमी टाइम तो हम दे ही रहे थे, लेकिन अब उसका क्रॉलिंग मोमेंट भी शुरू होने वाला है। और इसके लिए हमने परचेज करी एक क्रॉलिंग मैट, जो कि अच्छे थिक फोम की बनाई हुई है और कंस्ट्रक्शन इसका काफ़ी अच्छा है। इस पर टेक्सचर दिया हुआ है तो स्लिपरी भी नहीं है, इजी टू वॉश है। नॉर्मल कपड़े से आप वाइप भी कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं, दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट बहुत अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ये क्विल्ट हमने अभी कुछ समय पहले ही परचेज करी थी, ठंड का टाइम आ गया है तो मसलिन की ये सॉफ्ट क्विल्ट बहुत अच्छी होती हैं, बेबीज किड्स दोनों के लिए ही, टॉडलर्स बेबीज के लिए, इन्फेंट बेबीज के लिए, सबके लिए अच्छी होती हैं, कंफर्टेबल रहती हैं, ब्रीदेबल भी रहती हैं। ओके, सो ये क्लॉथ डायपर है जो चीकू को मैंने रात में पहनाया था, अभी मॉर्निंग तक पूरा सूखा हुआ था, डायपर चेक किया नॉर्मल था तो स्किन को क्लीन करके वापस पहना दिया। सुबह सुबह से ये चालू है यहाँ पे, क्या करूँ मैं, नींद भी पूरी नहीं होती बाबा बच्चों के साथ, इनकी मस्ती ना खत्म ही नहीं होती, मस्ती नहीं खत्म होती इनकी, इनकी मस्ती तो देखो देख। हाँ क्या चुपके से देखता है अपनी मम्मा को, चुपके चुपके ये देखो खुद को। आज है संडे तो मैंने सोचा चलो मसाज करते हैं बेबी की डाबर लाल तेल से। फाइनली ये मुझे मिल गया, मतलब मैंने खरीद ही लिया। और ठंड में जो डाबर लाल तेल की मसाज होती है वो बहुत अच्छी रहती है, वैसे भी आप कर सकते हैं वंस इन अ डे,
और ठंड में तो ट्वाइस इन अ डे भी कर सकते हैं इस तेल से, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत साल से यूज़ कर रहे हैं लोग, तो ट्रस्ट वर्थी भी, और जहाँ ट्रस्ट होता है तो फिर वहाँ पर चीज़ें अच्छी इफेक्टिव रहती हैं। पुछु 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 देखो, तेल लगा के एकदम हीलो बन जाते हैं ये, और मम्मा की बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं ये। तेल लगा लेते तो बिल्कुल हीरो बन जाते हैं, बिल्कुल अपनी मम्मा की बात नहीं सुनते हैं, वो बमाशी करते हैं, बो बमाशी करते को करते को। हाँ मेरा दिल पुकारे मुझे, इतना प्यार आजकल एक सॉन्ग बहुत वायरल हो रहा है, और यूट्यूब इंस्टा जहाँ भी देखो वहाँ पर ऐप ओपन करते से ही यही आ जाता है मेन होम पेज पर, और सुनते सुनते ना एकदम दिमाग में चढ़ गया ये गाना, और अब मैं खुद भी बैठे बैठे यही गा रही हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ पूरा दिन। बेबी को नहलाने के बाद मैं धूप में ही कपड़े चेंज कराती हूँ, रूम में आ जाती है धूप, और इस तरीके से कपड़े से, गर्म कपड़े से बेबी को सिकाई भी करते हैं, ये रोज़ हम कर रहे हैं और फ्रॉम द बिगनिंग ही कर रहे हैं। काफ़ी आराम मिल जाता है बच्चे को कपड़े से सिकाई से, गर्म तवे से आप कपड़े को गर्म कर लो और फिर बेबी को उससे सेक दो, काफ़ी अच्छा लगता है, बेबी को आराम मिलता है, फिर कपड़े पहना दो। संडे है, धूप का टाइम है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो भाई आज ट्रैफिक पार्क जाते हैं, चिल्ड्रन पार्क जाते हैं बच्चों को लेकर के, अनिका को भी एक अच्छा पार्क टाइम मिल जाएगा, फन टाइम मिल जाएगा, और जी को और मेरी आउटिंग भी हो जाएगी बहुत दिन से। काफ़ी अच्छा लगता है बाहर जाओ तो, बेबी भी बहुत एक्टिव फील करती है और बहुत सारी चीज़ों के साथ में इंगेज होती है सोशली। कहाँ जा रहे हो बता दो, कहाँ पूरे सेट करने लायक हो गया। स्लोली। हाँ हाँ आप तो सो रहे हो बेटा, इतने अच्छे पार्क हम आए थे बट आप सो रहे हो। गंदी बाजी। ये देखो देखो इधर देखो भाई, चलो फाइनली ट्रैफिक पार्क आ गए।